इस वीडियो को यार अगर रीअपलोड मारना है तो रीअपलोड मार लेना, डाउनलोड कर लेना, जो जहां डालना है डाल देना, क्योंकि यार देखो एक दो घंटे में ये वीडियो मैं प्राइवेट कर लूंगा या तो ये खुद ब खुद हट जाएगी और उसकी वजह ये देख लो। खैर वीडियो शुरू करने से पहले यार देखो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा था ये सेकंड वीडियो, इसी के बीच में मेरे को एक मेल आती है जिसमें हमारे भाई जिनको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सपोज किया उन्होंने मेरी वीडियो को वर्ल्ड वाइड ब्लॉक करवाया है। ठीक है भाई कोई बात नहीं है, करवा लो बेटा। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो किस क्या टाइटल है इसका, जहाँ से मुझे क्लेम आया है, किस वीडियो से आया है, आप देख सकते हो ये वही वीडियो जो इसके चैनल पे पड़ी है। इसका टाइटल देखो यहाँ देखो, ठीक है? तो आप समझदार हो, है ना? इशारा नहीं, मैं पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूट्रॉन गेमिंग चैनल पे। और गाइस आज की वीडियो बहुत ही ओपी वीडियो है। आज मेरे को महसूस हुआ है कि दिवाली आने वाली है, हर जगह पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन कई जगह पे लोगों के गांड में बम फूट रहे हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहना, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बाबा बकचोद जी के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि लोगों ने उसका नामकरण नया कर ही दिया है, उनका नाम रख दिया गया है भाभी जी। तो गाइस यहाँ पे ना काफी चीज प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब बेसिकली आसिफ बंताई और बीवी जी का इश्यू चल रहा था एंड काफी था। तो कल से ही मतलब आज से ही उसके ऊपर जो अपडेट्स आने शुरू हुए हैं, जो पटाखे बम फूटे हैं गाइस, उसके बारे में बयान करना बहुत मुश्किल है, आप खुद सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले आज का कंपटीशन। और मेरी प्रिय सेटिंगो, आज हम आए हैं विश्व के सबसे बड़े यूनिक पटाखा कंपटीशन में, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे रिप्लाई आशीष बंताये ने किया है, उसका मैं थोड़ा सा क्लिप आपको दिखा देना चाहता हूँ जो मैंने काट काट के रखा है, आप वो देख लीजिए और देखने के बाद फिर आप समझ ही जाएंगे आगे की स्टोरी। भैया यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि मैंने गॉड मोड ऑन कर रखा जिससे मेरी हेल्थ नहीं जा रही है। तो भाई मेरी बात सुनो, फिफ्थ क्लास का लौंडा या फिर मैं कहूँ तो 8 साल का बच्चा भी ये बता देगा कि अगर लाइट चले जाती है या बंदा डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो तुम कह रहे हो ना कि लाइट चले गई, मेरी आवाज भी तुम्हें नहीं सुनाई दे रही, इसका मतलब मेरा नेट गया या मेरी लाइट गई है। तो भैया अगर नेट चला गया या लाइट चले गई तो उसके बाद कौन सा हैक होगा जो काम करता रह जाएगा? नहीं तुम सोच के बताओ, हैक भाई नेट से काम करता है या ऑफलाइन काम करता है? ऑनलाइन काम करता है। अगर मान ले पीसी बंद हो गया तो नेट बंद हो गया एक तरीके से, मतलब मेरा सिस्टम काम करना बंद, तो हैक कैसे काम कर रहा है भाई? भाई कौन से नशे करके आए हो, कहां पढ़े थे, स्कूल के पीछे मराई में पढ़े थे क्या? तो पहला पॉइंट, इस कोठों पे पलने वाली तवाइफ ने ये रखा है कि जोन के बाहर हेल्थ कम नहीं होना ग्लिच है। तो कोठों की रानी सुन ले, ये मुझे पता था, अगर मैं वीडियो में कोई पॉइंट नहीं दूंगा तुझे भौंकने का तो तू रिप्लाई किस बात का देगी बे नल्ली। फिर उसके बाद भाई बोलते हैं कंटेंट कॉपी वाली की मेरी वीडियो एज इट इज छाप दी है। तो भैया अब मैं तुम्हें पूरी डिटेल से बताता हूँ, ये स्टोरी थोड़ी बड़ी होने वाली है। इसके 39 सब्सक्राइबर थे, मेरे 200 सब्सक्राइबर थे, हम तब से काम कर रहे हैं, ठीक है? और हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है एक तरीके से देखा थी, मतलब थी दोस्त, पर इसने दोस्ती का भाई नाजायज फायदा उठाया। तो भाई क्या हुआ, ये मुंबई से दिल्ली आया, क्यों? क्योंकि इसको फायदा दिख रहा था, मेरे पास 30,000 सब्सक्राइबर थे, इसके पास कुछ 8-10,000 सब्सक्राइबर थे। पहले तो भाई दोस्ती के नाजायज फायदे को क्लियर करते हैं, और एक बात याद रख लो, दोस्ती का नाजायज फायदा वही उठाएगा जिसकी पैदाइशी नाजायज होगी। खैर इस कोठे की क्वीन के मुताबिक मैं मुंबई से दिल्ली गया क्योंकि इसके 30,000 सब्सक्राइबर्स थे और उससे मुझे फायदा होने वाला था। तो सुन बे ओ दिमाग की पैदल मरीज, तू क्या प्यूडीपाई की रखेल है जो तेरे सब्सक्राइबर देख के मैं दिल्ली चला आता? और सच सुन लो, दिल्ली में अकेला नहीं गया था, और भी दो लोग थे, वो भी इसी कोठे वाली के बुलाने पे आए थे, और वो खुद भी इस बात का सबूत है। और एक सबूत ये भी है कि देखो बीबी की वाइंस पे डिस्ट्रैक्ट और ऐसे ही कई वीडियोस जो इसके चैनल पे डले थे, इससे ना भाई कुछ होता जाता है नहीं, गालियां बकने और खाने के अलावा इससे कुछ आता है ही नहीं, तो कंटेंट कैसे बनेगा? तो चलो अपने दोस्तों को दिल्ली बुला लेते हैं, इनके साथ करेंगे। तो प्यूडीपाई की रखेल अब समझ आ गया होगा ना तेरे को, तो अब से ये दोस्ती का रोना मत रोना ना, सिंपथी मत लेना। तो भाई मैं अपनी हर वीडियो में कोलैब करता था इसके साथ और इसको शाउट आउट देता था। अबे वो चलते फिरतो के मजे के नतीजे, वीडियो में कोलैब करना शाउट आउट नहीं होता, ढक्कन जहालत के जीते जागते नमूने। अगर कोई क्रिएटर साथ में वीडियो बनाए ना तो वो भी उस वीडियो में मेहनत कर रहा होता है, तो ये शाउट आउट वाले एहसान को कोलैब के साथ मत जोड़ना, समझा? पांचवी फेल, चल अब आगे भोंक। जाओ पब्लिक इसके चैनल को भी देखो, पर पब्लिक को इसकी आवाज पसंद नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? लोग हर बार मेरी वीडियो पे यही कमेंट करते थे, भाई इसकी आवाज एकदम ऐसा लग रहा है कि मुंह में लगा ले लियो।
आवाज पे अब ये रातों में हाईवे पे मेकअप करके हाथ दिखाने वाली खुसरी टिप्पणी करेगी, जो खुद एक बिना दम्मे की बीमारी के भी दम्मे की मरीज है, साली हांफती रहती है। ऐसा लगता है साला इसके वीडियो बनाते हुए ये अपने शरीर के हर एक होल का सौदा बिल्कुल ही एक साथ कर देती है, वो भी 10 से 12 हफ्सियों से, तब जाके इतनी हप हपाहट इसके वीडियो में आपको सुनने मिलती है। खैर जरा इसकी खुद की आवाज सुनना तो। पैसे लेता पब्लिक से, ये प्रमोट भी करता है उनको। अब ये भी सुनना जिसमें ये देशभक्त बनी हुई थी और देश के नाम पे भी पेड प्रमोशन करके मुंह से ये हगी थी। गेमिंग ऐप इंडिया को बोला तूने, हाउ यू डेयर। अब ये सुनना इसके न जाने कितने वे नंबर की बाप की आवाज। दम तोड़ दिए जिए देश के लिए, खून रगों में दौड़े उनका देश के लिए, कुर्बानी कबूल उन्हें देश के लिए, नहीं जानती है वो बहस के लिए। तो दोस्तों ये तो थी इसके बाप की आवाज, अब जरा ये सुनना अपने मुंह में ये दरियाई घोड़ों का लेके कैसे बोलती है। तू उनके बारे में भूला भरा क्यों बोल रहा है? भूला भरा साली, ढंग से तेरे को शब्द बोलना नहीं आता है और बात कर रही है मेरे आवाज की? साली तवाइफों वाली हरकत ही कर तू, यही कर सकती है, चल आगे भोग। और ये कह रहा कमाल आर खान वाली वीडियो, मेरे भाई उस टाइम पे तुझे पता है कि हम लोग की सिचुएशन क्या थी? तुम कमेंट पढ़ो कि हम लोग उस टाइम पे घर ढूंढ रहे थे। रुक 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 रुक, पढ़ने दे, टाइम 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 वेस्ट हो रहा है, कोई रूम दिलवा दो, दिल्ली में 6 दिन से घूम रहा हूँ, अच्छा रूम नहीं मिल रहा, मैसेज करो इंस्टा पे अगर रूम हो तो। इस कमेंट के हिसाब से तो हम बड़े ही परेशान होंगे ना, तो यार इतना दिखाया ना, तो एक काम कर अगली वीडियो में इस कमेंट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालना और इस कमेंट के रिप्लाईज भी खोल के दिखाना स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, क्योंकि हम तो यार बड़े परेशान थे ना, लोग हमें रूम सजेस्ट कर रहे होंगे ना इसके कमेंट के रिप्लाई में। खैर चल आगे भोग। ये इंस्टाग्राम फोटो देखो, मेरा सिस्टम खुला पड़ा था। अच्छा ये तेरा सिस्टम था जीबी रोड की लैला, तो फिर इंस्टा पे ये फोटो डालने से 3 दिन पहले तू ये फेसबुक पे क्या डाली थी बे? आसिफ ये ग्राफिक कार्ड मुझे दे दे, तू तो नया लेने वाला है ना, #dreams। साली तू तब भी जाहिल थी जब ऐसे स्पेलिंग्स गलत लिखा करती थी, और तू अब भी गवार है जो मेरा ही ग्राफिक कार्ड मुझे ही रिप्लाई देते हुए लोगों को झूठ बता के पति लेके मैनुपलेट कर रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे दिवाली मनाने वाले के ऊपर। तो दिवाली यहाँ पे मनाई गई है रूट स्नाइपर द्वारा। रूट स्नाइपर ने यहाँ पे नॉर्मल दिवाली नहीं मनाई है, छोटे मोटे बम नहीं फोड़े हैं, उसने पूरा टैंक तोप मिसाइल जो मिला सब लेके आया और पेल दिया धर के। तो गाइस आपको मैं आगे सुनाने वाला हूँ थोड़ी सी क्लिप्स, एक थोड़ी बड़ी क्लिप होंगी, आप पूरा सुनिए, बहुत मजा आएगा, उसके बाद कॉम्पिटिशन का एंड करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लो जो बकचोद बाबा जी के बारे में। तो ये अपनी लेटेस्ट वीडियो में उसने आसिफ बंटाये, सम्राट भाई, कैप्टन एमडी, इन तीनों को रिप्लाई दिया, और फिर इन तीनों ने मिलके रिप्लाई कम बलात्कार ज्यादा कर दिया, वो भी सामूहिक। अभी तुम बस ये चीज समझो कि बंदे की कितनी फटी पड़ी है कि उसने वीडियो रिमूव करवा दी, उसके पास एक भी चीज का जवाब ही नहीं था इसलिए वीडियो हटवा दी भाई उसने, ये चीज समझो भाई। और भाई विजय बोलता है कि भाई आसिफ जो है अपना फायदा देख के दिल्ली आया था कि बीबीजे के ज्यादा सब्सक्राइबर है, मेरे कम है, मेरा फायदा है। और भाई बोलता है कि तभी हमने मिक्सअप वीडियो बनाई थी वो जो KRK वाली थी। बीबीजे ने एक ग्राफिक कार्ड ग्राफिक कार्ड दिखा के बोलता है कि भाई ये देखो मेरा PC सेटअप भी खुला पड़ा था उस टाइम पे, इसलिए हमने साथ में एक वो वीडियो बनाई थी क्योंकि हमारे पास घर भी नहीं था रहने के लिए, ये वो बकचोदी। खुद सुनो भाई, पहली बात तो ये जो ग्राफिक कार्ड है ना ये बीबीजे का है ही नहीं, ग्राफिक कार्ड है आसिफ बंटाये का। ये तो वही बात हो भाई, किसी बंदे के अगेंस्ट तुम वीडियो बना रहे हो और वीडियो भी बनाने के लिए भाई तुम उसी बंदे की चीज को अपना बता रहे हो, ये तो वही बात हो गई। कल को भाई तुम किसी को छक्का बता रहे हो फिर उसी का लंड अपने हाथ में लेके बोल रहे हो ये तो मेरा है। अरे भाई क्या कह रहे हो, आसिफ ने बीबीजे को चोद दिया, अरे यार बुरा लगा। चलो भाई आगे सुनते हैं। बीबीजे बोलता है कि आसिफ ने उसका गाना कॉपी किया है। मेरा एक बार ये वाला गाना सुनो, डेस्पासिटो नाजिर खान जान वाला, ठीक है इसकी डेट देख लो। अब इसका ये धिनचक पूजा वाला 7 मिलियन वाला व्यू वीडियो देख लो, सेम मेरा म्यूजिक बकचोद बंटा है उसमें लिखा हुआ है वीडियो में पूरा बकचोद बंटा है। तो भाई क्यों लिखा है बकचोद बंटा है? क्योंकि मेरा गाना है, कॉपीराइट से उस पे, इसलिए ही तो लिखा। वाह बेटी चोदवा, मतलब तेरे हिसाब से कल को तू पड़ोसी के मकान पे मूद देगा और फिर तू बोलेगा कि भाई ये मकान तो अपना हुआ, मेरा कॉपीराइटेड है ये, मैंने मूद दिया इस पे, मतलब बहुत सही। ये लो भाई इस पॉइंट पे भी चुद गया ये। फिर भाई बीबीजे बोलता है कि वो जिसकी भी क्लिप यूज करता है उसको प्रमोट करता है, छोटे क्रिएटर के साथ कोलैब करता है, गरीब का चैनल डिलीट हुआ तब गरीब के साथ भी कोलैब किया था। गरीबों का चैनल चला गया था 17K पे, तो भाई मैंने उसके साथ कोलैब किया
गया था पब्लिक को बताने के लिए कि भाई उसका चैनल जा चुका है ताकि उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए। यार कितनी बार गएगा इस बात को भाई, सम्राट भाई आइयो एक बार समझाइयो जरा। जब से मैंने आपको सब्सक्राइब किया ना मल्लिका वाले मैटर के टाइम मैंने आपको सब्सक्राइब किया था, तब से लेकर मैं आपको आज तक देख रहा हूँ आप एक ही राउडी रोना लगाए रहते हैं। अरे बस भाई कितने बार गिना हो गए, वो गरीब से अमीर बन गए और तुम अमीर से गलीच बन गए। और भाई क्या बोलता है कि मैं NHR वगैरह की क्लिप यूज करता हूँ तो वो कुछ नहीं बोलते, तुम क्यों बोलते हो? मैं करने से पहले अब मैं तुम्हें बताऊंगा, एक और बंदे ने जो बोला है कि भाई मैं वीडियो उठाता हूँ NHR हंटर की या और किसी की, तो भाई ये लोग खुद क्यों नहीं बोल रहे कि भाई मेरी वीडियो उठाई क्यों? अरे NHR आइयो एक बार ये क्या बोल रहा है सुनियो बताइयो जरा। अब थोड़ा मुझे स्ट्रेच करना पड़ेगा बिकॉज हमारा कंटेंट आजकल कुछ ज्यादा ही गायब हो रहा है, लोग उठा लेते हैं पूरा वीडियो ही, कोई कुछ ही कर देता है। भाई बुरा लगा NHR के लिए, भाई अब तो समझ जा तेरा चूतिया काटा है इसने, वो भी बड़ा वाला, बाकी भाई सम्राट भाई समझा देंगे। तुम ये रेजर चीटोमैन कैप्टन एमडी और जो भी NHR मैनेजर हंटर जो भी लोग हैं जो इस टाइप की वीडियोस को बनाते हैं इनको देखना शुरू कर दो। ये जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो डालेंगे अगले दिन बक्चोद बाबा जी उसे अपने चैनल पर रीअपलोड कर देंगे, बस अंतर इतना होगा कि बाबा जी उसे अपनी आवाज में रीअपलोड करेंगे एंड साथ ही साथ उसमें अपना एक डायलॉग जोड़ेंगे और वो डायलॉग ये होगा कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय थोड़ी तो शर्म कर ले कितना लोगों को बर्बाद करके खाएगा डॉट। और भाई इससे हमने पूछा ना कि तू चीटोमैन के सामने बोल रहा था कि हैक बेचूंगा ये करूंगा वो करूंगा, तो उसका जवाब भाई ये दे देता है। जिस लेवल पे हूँ ना मेरे को स्पाई बन के रहना पड़ता है, स्पाई का मतलब पता है? तो भाई मेरे को जब किसी के मन की बात निकलवानी पड़ती है ना तो सबसे पहले मुझे उसकी तरह बनना पड़ता है और यहाँ पे मैं चीटो मैन की तरह बनने की कोशिश कर रहा था, ये दिखाना चाह रहा था कि मैं एमुलेटर को कितना हेट करता हूँ। अरे एमडी भाई आइयो जरा देखियो बकचोदी दे रहा है कुछ ज्यादा ही। तू जिस टाइम का ये रिकॉर्डिंग दिखा रहा है ना उस टाइम तू अपने एमुलेटर पे मरवा रहा था और एमुलेटर पे हैक यूज करके खेल भी रहा था। ये तू बोल रहा है ना कि स्पाई बन के रहना पड़ता है, बात उगलवाना पड़ता है, तो इस चीज का थर्ड रिप्लाई सुन ले। तो गाइस इस रिकॉर्डिंग का एक और पार्ट भी है, इसने दिखाया नहीं तो मैं दिखा देता हूँ यार। कुछ लोग जैसे एमुलेटर खेल ही रहे हैं ठीक है, जैसे कि एमुलेटर खेल के अगर अपनी ऑडियंस बना रहे हैं तो इस चीज से कुछ इतना बड़ा फर्क क्या पड़ता है कि मतलब कि थोड़ा ड्रामा किया था। तो भाभी जी यहाँ पर तो साफ साफ पता चल रहा है कि तू यहाँ पर एमुलेटर को डिफेंड करने के लिए आया है। तू यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि एमुलेटर पे अगर कोई एंटरटेन करेगा तो इसमें गलत बात क्या है? जी भी रोड पे रंडी चुदी किसने देखा ये बताना, तू हमें क्या पता तूने हैक बेचे या नहीं, हम क्यों यकीन करें? तेरे ही वर्डिंग है ना कि क्या गारंटी है कि पाइथन हैक नहीं करता। तो भाई दूसरों के कच्चे फाड़ने वाले की आज खुद की गांड फटी हुई है और गांड फटी में भाई बंदा झूठ पे झूठ बोल रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हें बताता हूं भाई, तुम इसके चैनल पे कुछ भी ढंग का कमेंट करोगे जिसको समझाओगे या फिर कई बंदे हेट फैलाते हैं तुम्हें एक भी कमेंट नहीं दिखेगा, तुम्हारा कमेंट इसको भाई दिखेगा नहीं इसकी वीडियोस पे। क्यों? क्योंकि भाई इस बंदे ने ऑल कमेंट सेल्फ फॉर रिव्यू लगा रखा है, मतलब जितने भी कमेंट होंगे वो सबसे पहले रिव्यू के लिए रखे जाएंगे, ये उनको देखेगा, जो सिर्फ अच्छा कमेंट होगा उसी को अलाउ करेगा वही वीडियो पे दिखेगा। तो गाइस यहाँ पे इतना ज्यादा बलात्कार वो भी सामूहिक मैंने आज तक नहीं देखा, यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ कि भाई ऐसा मैंने गैंग बैंग जो देखा था ना मैं खाली इसमें पॉर्न अप्स में देखता था, लेकिन पहली बार मैंने यूट्यूब में भी देखा है ऐसा पॉर्न अप वाला किस्सा एकदम, मतलब कितनी जगह से फैला गया है, इतनी जगह से फैला गया है भाई, उसके सामने कोई भी बंदा वैसा बैठा होता ना छो छाड़ के भाग जाता अभी तक। लिटरली मैं कह रहा हूं भाई ये बंदे को अगर थोड़ी भी शर्म होगी ना ये बंदा छो छाड़ के सब भाग जाएगा, इतना इतना गंदा तरीके से को किसी को कैसे चो सकता है भाई, शर्म करो यार तुम लोगों को भी भाई, भाई रूड भाई तू भी थोड़ा दया दिखा दिया कर यार, इतना ज्यादा मतलब इतना हद से ज्यादा तुमने कैसे कर सकते हो यार, मतलब ब्रूटल रेप क्या कहा जा सकता है इसे। मैं जानता हूँ दर्द तो बहुत हो रहा होगा इस समय, लेकिन यहाँ भाई इतना ही कह सकता हूँ कि भाई पैरासीटामोल डिस्प्रिन और जितने भी टाइप की दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो भी गूगल कर लेना, कहीं से कॉपी कर लेना और जाके मार्केट से खा लेना, आज रात को देखो नींद नहीं आने वाली। और तो गाइज होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आसिफ बंताये के चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, और डिटेल में देखना चाहते हैं तो यूर स्नाइपर के चैनल में जाके देख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए बने रहिए, तब तक देखते रहिए न्यूट्रॉन गेमिंग और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइव स्ट्रीम पे आइए। चलिए बाय बाय, टेक केयर। अब अकेले में हम लेंगे तेरी रख के, आगे खड़े कैरी पापा पीछे बसते चक्के, लुट जाए ना इज्जत तेरी पल्लू रख तू ढक के, पीठ पीछे वार करे बाबा जी है छक्के।